अरे यार मैं तो पूरी प्रिपरेशन कर रही हूं। आंटी देख करके नहीं चल सकती थी क्या? बेटा देख के तुम्हें चलना चाहिए, तुम पीछे से आ रही हो। अच्छा आउच। अब आया ना मजा, ऐसे ही होता तुम्हारे जैसे लंगड़ों के साथ। अगर ज्यादा मेरे साथ चूचापाट करी ना तो तेरी जुबान भी ना मेरे पैर की तरह आधी काट दूंगी, समझ आई? बेटा आप लोगों को तमीज नहीं है क्या? बड़ों से कैसे बात की जाती है? अच्छा हो सब्जी वाली बहन जी, अब आप सिखाओगे हमें कि कैसे बात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए? पहले जाके ना अपनी सब्जियां बेच कर आओ, फिर आना रोड पे चलने के लिए। नहीं नहीं, मेरे को तो लगता नहीं ये किसी घर में काम करती होगी, और वहाँ पे ना उसके खाने बनाने का टाइम हो रहा है बेचारी का, तभी तो इस हालात में भी सब्जियां लेकर के जा रही है। सही कह रही रिंकी तू, एकदम इसकी हालत से भी तो यही लगता है ना कि किसी के यहाँ पे काम करती होगी, वो भी खाना बनाने का। सही कह रही है तू, वैसे तो ना झाड़ू पोछे वाली लग रही है, खाना बनाना तो वैसे बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन एक बात बताओ आंटी जी, अगर आप लंगड़ी है तो यहाँ सड़क पे क्यों घूम रही है? आपको नहीं पता कि लंगड़े साइड में बैठ करके भीख मांगते हैं, आप यहाँ क्या कर रही है? ये क्या तुमने लंगड़ी लंगड़ी लगा रखा है? क्या तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हें कहाँ से मैं गवार नजर आ रही हूँ? ज्यादा जुबान लड़ाएगी ना तो तेरे पैर की तरह तेरी जुबान भी काट दूंगी, समझ आई? और ये क्या लेके जा रही है इसमें तू? हाँ ये ओ सब्जियाँ लेके जा रही है बहन जी, आपको कह तो दिया। एक मिनट मैं आपको करता हूँ। अरे अरे मैडम, ये आपको यहाँ पे कौन गिरा गया? पकड़ी। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये आपको ऐसे यहाँ रोड पे कौन गिरा गया? पता नहीं, दो बदतमीज़ लड़कियाँ थी, पीछे से आ रही थी, मुझे धक्का मार के चली गई। पता नहीं कैसे बच्चे आजकल के, माँ बाप तमीज सिखाते ही नहीं है। वैसे मैडम आप जा कहाँ रहे थे? वो सामने शर्मा इंटरप्राइज दिख रहा ना भैया, मुझे बस वहीं तक जाना है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों का रिज्यूम मैंने देखा, काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी नॉलेज है आप दोनों को, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। सच कहूँ तो हमारी सेल के लिए हमें ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है जिनको पहले से ही एक्सपीरियंस हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपसे मुझे ज़्यादा कुछ पूछना चाहिए, बस इतना ही पूछूंगा जो हमारा सेल है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, उसके लिए आपको पता है ना कि क्या करना है। थैंक यू सो मच सर। ऑब्वियसली सर हमें पता है ये जो हेल्पलाइन है वो स्पेशली वुमेंस के लिए है, क्योंकि आजकल जो वुमेंस के साथ क्राइम हो रहे हैं, वुमेंस मतलब अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले पाए और डरा ना फील करे, और इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी भी वुमेन को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या इंसल्ट करता है या फिर उसके साथ कोई बदतमीज़ी होती है किसी भी तरीके की, तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सके। यस सर, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे, जिन लोगों के साथ गलत होता है उनको बताएंगे कि हमारी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सपोर्टेबल है, कितना ट्रस्टेबल है, तो ये चीज़ हम लोगों को बताएंगे जिससे उन्हें अपने आप को ऐसा फील ना करें कि वो डरे हुए हैं या अनसेफ बिल्कुल भी फील ना करें। तो हम मिलके ये सारा काम करेंगे। और सर, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी मदद करना चाहती है, तो हम ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे और उनको अवेयर करेंगे ताकि वो क्राइम को कम करा सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके। यस सर, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स खड़ी हों और यहाँ पे सेफ फील करें इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यही हमारा मेन मोटिव है। काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों के विचार सुनने के बाद में। बस आप लोगों को पता है ना कि आजकल हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, और सोसाइटी के अंदर लड़कियां डरने लगी हैं घर से बाहर निकलने में भी। तो हमारे सेल को इसलिए बनाया गया ताकि लड़कियों को स्ट्रेंथ मिले, अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो खाली अकेली नहीं है सोसाइटी के अंदर, उनके लिए भी कोई स्टैंड लेने के लिए है। फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कंट्री के अंदर जिनको अभी भी नॉलेज नहीं है कि ऐसा एक सेल है जो लड़कियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें उनका साथ देता है लड़कियों का जस्टिस दिलवाने में। तो आप लोगों को बस उसी के लिए काम करना है, और बस अब हमारी मैम आएंगी और वो आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगी और उसके बाद में आप दोनों की जॉब फाइनल हो जाएंगी।
मैं मैम को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, बाकी आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं? पानी? यस सर, वाटर। ओके, मैं पानी भी चुवाता हूँ। बाकी मैम अभी आ रही होंगे। मैंने जान के नहीं गिराया, वो रखते में पानी गिर गया। अच्छा, रखते से मैं एक रख के दूंगी ना, सारी अकल रखी रह जाएगी यहीं पे। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं है, कैसे बात करते हैं दूसरों से? ओ लंगड़ी, इसकी टांग कैसे ठीक हो गई? प्लास्टिक की लगवा के आई होगी पक्का। और वैसे यहाँ पे क्या कर रही है तू? मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे अपनी लंगड़ी टांग के लिए ना बेचारी जस्टिस मांगने आई होगी, किसी ने तोड़ दी होगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पे ना मेरी जॉब हो चुकी है एज ए मैनेजर, तो मेरे होते हुए ना तेरे को यहाँ पे जस्टिस तो दूर की बात है। तेरे को ना मैं यहाँ पे 10 रुपए का नोट भी ना लेने दूँ। ए, जबान संभाल के बात करो, तुमने सुबह भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है और अब तुम इनके साथ भी बदतमीजी कर रही हो, पता नहीं क्या समझती हो तुम अपने आप को। सुबह इतनी बेइज्जती करवा के तुम्हें सबक नहीं मिला क्या? अभी और बेइज्जती चाहिए क्या? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। अरे चुप हो जाइए आप दोनों, आपको तमीज नहीं है क्या बात करने की? और आपको एहसास नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है ये? ये हमारी इस कंपनी की ऑनर है और इन्हीं की बात की थी मैंने कि अभी मैम आएंगी और आपका लास्ट इंटरव्यू लेंगी, लेकिन आपको बात करने की तमीज तक नहीं है। और जो सुबह तुमने मेरे साथ किया ना, वो तुम्हारे इंटरव्यू का पार्ट था। तुम एक वुमेन सेल में नौकरी मांगने आई हो और तुम ये नहीं जानती कि एक वुमेन दूसरे वुमेन की हेल्प कैसे कर सकती है। तुम इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो किसी भी औरत को? जो औरत दूसरी औरत की कदर नहीं कर सकती, जो औरत दूसरी औरत का रिगार्ड नहीं कर सकती, वो वुमेन सेल में नौकरी करने के लायक नहीं है। क्या एजुकेशन है तुम्हारी? माना तुम्हारी एजुकेशन अच्छी होगी तभी तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो, लेकिन ये कोई इंसानियत नहीं होती है कि तुम सड़क पर चलते हुए किसी भी औरत को धक्का मारो या किसी भी इंसान की तुम बेइज्जती करो। तुम इस वुमेन सेल में नौकरी करने के लायक नहीं हो। क्या कहा था तुमने सुबह मुझे? लंगड़ी, गवार, खाना बनाने वाली। और अगर कल को तुम्हारे पास कोई खाना बनाने वाली औरत हेल्प मांगने के लिए आती है तो तुम तो उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करोगी। तुम तो जैसे ही तुमने सुबह मुझे बेइज्जत किया, तुम ऐसे उसको बेइज्जत करके भगा दोगी। गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम इस जॉब के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अपना रिज्यूम उठाओ और जाओ किसी और कंपनी में नौकरी ढूंढो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि सोसाइटी के अंदर ना लड़कियों के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ता जा रहा है और हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया के अंदर, ऐसे वीमेन सेल्स बने हुए हैं जो हेल्प करते हैं, जो वीमेन्स के अगेंस्ट क्राइम होता है उनमें उनकी मदद करते हैं, उनको जस्टिस दिलाने में उनके साथ स्टैंड करते हैं वो लोग। और अगर आपके आसपास भी किसी लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप पुलिस को कॉन्टैक्ट कीजिए। और उल्टा जो होता है ना, हकीकत यही होता है कि एक लड़की अपने ट्यूशन जा रही है और उसको कोई लड़का छेड़ दे और वो घर में आके बताए कि मुझे इस रोड के ऊपर किसी ने छेड़ा है, तो उसके घर वाले, उसका भाई उसको उल्टा ये नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे साथ चल के तुझे जस्टिस दिलाता हूँ, उल्टा उसको बोलेंगे कि तू अपना रास्ता चेंज कर ले, दूसरे रास्ते से चले जा, या फिर ये बोलेंगे कि तू ट्यूशन ही मत जा, घर पर ही तू पढ़ और घर पर ही तैयारी कर। तो ऐसे होता है, लड़की अगर लेट आ रही है तो उसके लिए अगर कोई उसको छेड़ता है तो लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो हमारी जो वीडियो वो इसी चीज़ के अगेंस्ट में है और बस हम ऐसी मोटिवेशन भरी वीडियो बनाते रहेंगे, मोटिवेटेड वीडियो, और आप ऐसी सपोर्ट करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा आपकी शेयरिंग की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जुड़े रहिए।